खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। सपा के दिग्गज नेता वरिष्ठ नेता शफीकुल रहमान बर्क का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शफीकुल रहमान बर्क सदन में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद थे। 4 बार विधायक रहे बर्क। 2019 में 5वीं बार संबल लोकसभा से सांसद चुने गए। सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के संबल से सांसद शफीकुल रहमान बर्क का आज निधन हो गया। बर्क 94 साल के थे। AIIMM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने शफीकुल रहमान बर्क के निधन पर अपने ऑफिशियल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद शफीकुल रहमान बर्क का निधन बेहद दुखद है। इन्होंने दुआ भी की है कि मरहूम को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और इनके परिजनों को सबर दे। शफीकुल रहमान बर्क हमेशा मजलूमों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, चाहे वो सदन रहो या मीडिया के माध्यम से रहो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफरत झलकती है, नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर, हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा।